वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मेडिवल हिस्ट्री अर्थात आपके एडमिट कार्ड में आपका जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसमें जिन जिन छात्र छात्राओं ने हिस्ट्री लिया है ठीक है उनको ये पढ़ना है और एक दूसरी हिस्ट्री है यानी कि जो जिसको आप एंसेंट हिस्ट्री आर्क्योलॉजी एंड एक प्रकार से कल्चर जो आपको पढ़ना है यानी जो प्राचीन इतिहास है वो दूसरा है तो प्राचीन इतिहास का अलग से सिलेबस मैंने डिस्कस किया है और उसका चैप्टर वन भी मैंने पढ़ा दिया है और जल्द ही उसका मॉडल पेपर मैं दे दूँगा ठीक है और मध्यकालीन का सिलेबस डिस्कस हो चुका है और मिड टर्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपके लिए मैंने तैयार कर दिया था इसके अलावा चैप्टर वन का डिस्कशन भी मैंने अच्छे तरीके से कर दिया आप लोगों ने देखा होगा अच्छे तरीके से तो अब हम चैप्टर टू पर चर्चा करेंगे जो है इतिहास के बारे में यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है बीए ए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़नी है हमको सत्रह सौ ईस्वी से लेकर के 1950 सौ ईस्वी तक ओके इसमें मैंने चैप्टर वन में समझा क्या था चैप्टर वन में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है उनके बारे में मैंने पूरा समझा था और पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से मैंने हर एक चीज़ों को बताया था और उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी एक प्रकार से हल किया था ठीक है लगभग और लगभग हमने आपको लगभग सोलह पंद्रह या सोलह प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव तैयार करवाया था कि इस चैप्टर से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे तो मैंने करवा दिए अब इसी प्रकार से चैप्टर टू के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता न पड़े ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने लिखित तो और ऑब्जेक्टिव दोनों आपकी परीक्षा में किसी टाइप की परीक्षा होगी तो आप आसानी से उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो जो चैप्टर टू है उसमें हमको पढ़ना क्या है कर्नाटक में आंग्ल जो फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा है इनके बारे में चूंकि क्या होता है मैंने शुरुआत में बताया कि भारत में क्या है कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए ठीक है पुर्तगाली लोगों के बाद में कौन आए डच आए डचों के बाद में कौन आए अंग्रेज लोग आए अंग्रेजों के बाद में डेनिस आए और डेनिस के बाद में फ्रांसीसी आए और आप देखेंगे कि ये कंपनियां जो है एक प्रकार से भारत में व्यापार करने के उद्देश्य आती हैं और व्यापार करने से उद्देश्य से ये कंपनियां जो आती हैं धीरे धीरे उनकी लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वो किन्हीं भी नीतियों साम दाम दंड भेद सब नीतियां अपना करके अपने व्यवसाय की जड़ों को मजबूत करने में लग जाती हैं और धीरे धीरे करके इत, जड़े इतनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेती हैं कि राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर करने लगती हैं और कहीं ना कहीं पे इनको वहाँ से यानी कि इनके देश से यानी ब्रिटेन से भी सहायता मिल जाती थी इंग्लैंड वालों को फ्रांस से फ्रांसीसीयों को लेकिन फ़्रांस से उतना सहायता फ्रांस की कंपनी को नहीं मिलती थी क्योंकि तो जो फ्रांस की कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी और जो इनकी कंपनी थी वो सरकारी एक प्रकार से कंपनी एक प्रकार से मान सकते हो ठीक तो इस प्रकार से थी तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके अब क्या था कि यहाँ पर जब सभी कंपनियाँ आपस में आती हैं और कुल मिला करके यहाँ पर स्थापित कर लेती हैं अपना वर्चस्व धीरे धीरे करके व्यापारिक चीज़ों में तो जो भी कंपनियाँ आती थी तो पहले क्या था कि उनको जैसे कि मान लेते हैं पुर्तगाली लोग थे व्यापार कर रहे थे फिर उसके बाद में जब डच आए तो डचों ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर पुर्तगालियों से अच्छा सामान दिया होगा या फिर एक प्रकार से अंग्रेज आए उन्होंने अच्छी कंपनी खोली होगी डेनिस फ्रांसीसी तो ये जो कंपनियां थी आपस में खास करके इन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी प्रतिस्पर्धा मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं कि एक बाज़ार में चार छः दुकान है किराना की तो चीनी अगर मान लेते हैं कि अड़तीस रुपये किलो खरीद करके वो ला रहा है बनिया तो अगर उसको चालीस रुपये किलो में हर एक दुकानदार बेच रहा है तो कोई उसको बयालीस में नहीं बेच सकता है क्योंकि चालीस में बगल में मिल रही तो बयालीस में आपकी कोई नहीं खरीदेगा ठीक तो इस प्रकार से या कोई अगर मान लेते हैं कि अगर उनतालीस में ही बेचेगा तो उसकी चीनी ज़्यादा बिकेगी और चालीस वालों की कम बिकेगी क्यों चूँकि वो सस्ता दे रहा है तो इसी प्रकार से क्या होगा कि अब इस समय चूँकि एकाधिकार तो अब बचा नहीं होगा जब बहुत सारी कंपनियां होंगी दो तीन चार कंपनियां होंगी तो फिर क्या होगी मुनाफा आप कमा नहीं पाएंगे पहली बात मुनाफ़ा आप कमा नहीं पाएंगे तो उसी मुनाफा को ना कमा पाने के चक्कर में क्या हुआ कि ये कंपनियां आपस में ही लड़ाई करने लगी ठीक है अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये कंपनियां आपस में ही लड़ती जाती हैं और इसमें खास करके क्या हुआ कि जो है पुर्तगाली डच और ब्रिटिश डेनिश फ्रेंच ये ये पांच छह कंपनियां मतलब पांच कंपनियां जो थीं ये एक प्रकार से व्यापार करने लगती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि जो है इनमें व्यापारिक और राजनीतिक दोनों प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और महत्वाकांक्षा यह है कि वो कंपनी सोच रही मेरा धंधा आगे हो वो सोच रही मेरा और उसमें दो कंपनियां ऐसी थी यानी जो फ्रांस की कंपनी थी और जो इंग्लैंड की कंपनी थी ये दोनों कंपनियां बड़ी कंपनियां थीं और चूँकि क्या था कि फ़्रांस का और इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का इनका एक प्रकार से यूरोप में भी एक प्रकार से बहुत उस समय छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था मतलब कि मार बहुत तगड़े तरीके से हो रही थी मार धाड़ हो रही थी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हमेशा से तो फ्रांस और कहीं ना कहीं पे इंग्लैंड जो थे एक दूसरे के घोर विरोधी थे और इन्हीं सब चीज़ों की एक प्रकार से प्रभाव आप देखते हैं भारत में भी पड़ता है क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड की पराकाष्ठा की लड़ाई एक प्रकार से लड़ने लगते हैं फ्रांस और इंग्लैंड जो यूरोप में आपस में घोर प्रतिद्वंदी थे भारत में ही दोनों कंपनियाँ आपस में उलझ जाती हैं और इन्हीं एक प्रकार से उलझने की प्रक्रिया से एक प्रकार से एक युद्ध का जन्म होता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिसको आप कहते हैं तो ये कंपनियाँ आपस में इस प्रकार से तीन युद्ध लड़ती हैं और उन्हीं तीनों युद्धों के बारे में हमको चैप्टर नंबर टू के अंतर्गत समझना है यानी कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा इन्हीं पर प्रतिस्पर्धा में ही युद्ध होते हैं चूँकि कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा पहले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बाद में क्या होता है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बाद में राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है फिर उसके बाद में फिर वहाँ से उनकी सरकारों की तरफ से तो कई सारी चीज़ें होती है और चूंकि ये सारी चीज़ें आप देखते हैं धीरे धीरे होती जाती हैं तो इन्हीं युद्धों के बारे में हमको विस्तार से जान लेना है ठीक है युद्धों के बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है तो क्या होता है ये कर्नाटक में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जिसके कारण से क्या होता है कि ये तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं चूँकि क्या हुआ कि जो है आंग्ल फ्रांसी संघर्ष शुरू होने के समय की वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो भी कुछ इसी प्रकार से थी कि जो भारतीय लोग थे चूँकि हुआ क्या कि सत्रह सौ एक ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया सादुल्ला खां को कर्नाटक प्रांत का प्रबंधक नियुक्त कर दिया और ये औरंगजेब जो था इसकी मृत्यु सत्रह सौ सात में हो जाती है और चूँकि आप देखते हैं उसने सादुल्ला खां को कर्नाटक का क्या कर दिया था प्रबंधक नियुक्त कर दिया था और सत्रह सौ बत्तीस ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका भतीजा जो होता है साधुल्ला खां का दोस्त अली उसका उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ जाता गद्दी पर उसने आरकाट को अपनी राजधानी बनाया कर्नाटक में ही है और इस प्रकार कर्नाटक या आरकाट राज्य का नवाब बन बैठता है और वंशानुगत तरीके से आगे बढ़ता है दोस्त अली जो था ये अपने राज्य के विस्तार का भी प्रयास करता रहता है इसका पुत्र एक प्रकार से आप देखते हैं सफदर अली और इसका दामाद था चांदा साहेब उसने जो है त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया एक प्रकार से फिर लेकिन वो तंजौर को जीतने में असफल रहते हैं तंजौर पर भी आक्रमण किया लेकिन उसको नहीं जीत पाते हैं तो इस प्रकार से स्थितियाँ भी कुछ इस प्रकार से बन रही थी दूसरी स्थिति यह थी कि चित जो है चित जो है त्रिचनापल्ली और तंजौर के हिंदू शासक अपनी सुरक्षा के लिए मराठों पर निर्भर थे और कहीं ना कहीं पर यही सारी चीज़ें जो होती थी ये सब एक प्रकार से चूँकि जब तिरचनापल्ली और मदुरे पर नवाब ने आक्रमण किया इसने और इससे मराठे उत्तेजित होते हैं और जो है उस समय थे रघुजी भोसले उनके उनकी नेतृत्व में क्या होता है आक्रमण करते हैं वो लोग और इस आक्रमण में अली को मार गिराते हैं मतलब मराठे लोग और सफरदल अरी जो होता है इसने मराठों को चालीस लाख रुपए क्षतिपूर्ण तथा नियमित रूप से चौथ देने का वचन दे करके शांति प्राप्त मतलब की प्राप्त कर ली कि मुझे छोड़ दो मैं आपको चालीस लाख रुपए दूंगा और नियमित तरीके से मैं चौथ यानी एक कर मतलब तुम्हारे अंडर में रहूँगा और तुमको मैं कर देता रहूँगा तो मराठों ने क्या किया त्रचनापल्ली पर आक्रमण करके चाँदा साहेब को बंदी बना लिया और वहाँ अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए सफदर अली और जो चांदा साहब था उसने मराठा आक्रमण के दौरान अपने परिवारों की सुरक्षा के दृष्टि से पांडिचेरी में क्या किया कि फ्रांसीसियों के संरक्षण में एक प्रकार से रख दिया अपने परिवार वालों को और जब मराठों ने इन परिवारों के समर्पण की मांग की तब फ्रांसीसी गवर्नर जो था उस समय ड्यूमा उस ड्यूमा ने क्या कर दिया अस्वीकार कर दिया अब मराठे चांदा साहेब को बंदी बना करके ले गए और दौलताबाद के दुर्ग में कैद कर दिया ये भी एक स्थिति उस उसी समय की है जब ये युद्ध एक प्रकार से होने को था यानी संघर्ष शुरू होने को था इसके अलावा तीसरी स्थिति यह थी कि मराठा आक्रमण से सफदर अली की स्थिति अत्यंत तो दुर्बल हो गई थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके चचेरे भाई थे मुर्तज़ा अली उसने उसकी हत्या बल्लौर में कर देता है वो उसका चचे, चचेरा भाई सफदर अली की और सफदर अली ने शरण ली थी जहाँ पर वहीं पर मृत्यु हो जाती है मुर्तजा अली ने स्वयं को आकार जो है आर कार्ड का नवाब घोषित कर दिया तो इस प्रकार से लेकिन क्या हुआ कि सेना जो थी उसने सेना ने जो है इसको मुर्तजा अली को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार से अगली स्थिति यह बनी कि मराठा कमर से उत्पन्न अराजकता से लाभ उठा करके निजामुल्ला निजामुल मुल्क जो था उसने कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आरकाट पर आक्रमण कर दिया इस प्रकार से आप देखते हैं कर्नाटक में कुछ शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता है ये और सफरदर अली के जो अल्पवयस्क पुत्र था उसको आकार कर, जो है आरकाट का नवाब नियुक्त कर दिया और सेवक अब्दुल्ला खां को उसका संरक्षण बनाया गया तो इस प्रकार से आप देखते हैं निजामुल आ, मुल्क आ, के जाने के बाद में क्या होता है कि अब्दुल्ला खां की मृत्यु हो जाती है और इस स्थिति में जो निजाम होता है उसका एक सेवक अनवरुद्दीन वो भी एक प्रकार से अल्पवयस्क ही था वो नवाब का संरक्षक बन जाता है और कुछ समय पश्चात उसने बालक नवाब की हत्या कर दी और स्वयं नवाब बन गया तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सत्रह सौ ईस्वी में आंग्ल फ्रांसी संघर्ष शुरू होता है कर्नाटक में राजनीतिक अराजकता फैली थी आर्थिक विनाश की स्थिति थी उस समय और उस समय आरकाट में अनवरुद्दीन नवाब था त्रिचन्नापल्ली और तंजौर में हिंदू शासक हुआ करते थे और इसके अतिरिक्त आप देखते तीन यूरोपीय केंद्र भी थे तीन यूरोपीय कंपनियाँ पहली तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोगों की कंपनियाँ थीं नागापट्टनम में डच लोग एक प्रकार से कंपनियाँ थीं उनकी और मद्रास में अंग्रेज ये आप देखते हैं सभी स्थान दुर्गीकृत थे दुर्ग से घेरे हुए थे तो इस प्रकार से ये उस समय की कुछ सीनेरियों था स्थिति थी जो कि मैंने आपको बताई फिर धीरे धीरे क्या होता है कि प्रांग फ्रांसीसी युद्ध के ये भी कारण है कि होता क्या है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति भी कुछ ऐसी रही कि क्या होता है कि कर्नाटक में चूँकि क्या होता है कि व्यापारिक प्रतिद्वंदता दोनों में फैलती है पहली बात तो कि आधारभूत कारणों में प्रथम कारण तो आप अगर यही माने हम कि कंपनियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता होती है और दोनों ही भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार करना चाहती है कि हमें केवल कंपनी मतलब कि हमारा ही केवल व्यापार हो और ये यहाँ पर ना रहे क्योंकि जब एकाधिकार होगा तब लाभ अच्छा कमा पाएंगे मुनाफा अच्छा होगा अगर प्रतिद्वंदिता होगी तो मुनाफा नहीं होगा ये बात दूसरी बात इंग्लैंड फ्रांस की शत्रुता यूरोप में ही थी ठीक है ये भी एक प्रकार से कारण था यहाँ पे युद्ध होने का तीसरा कारण ये था कि औपनिवेशिक स्पर्धा चल रही थी उस समय इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो मध्य औपनिवेशिक मतलब कि स्पर्धा में आप देखते हैं वो थे और वे उत्तरी अमेरिका में एक दूसरे के उपनिवेशों पर उत्तर मतलब अधिकार करना चाहते थे वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में भी ये लोग फ्रांस के लोग भी थे वहाँ पर भी और इंग्लैंड के लोग भी थे यानी ब्रिटेन के लोग भी तो वो भी एक प्रकार से दोनों में क्या था जो है प्रतिस्पर्धा थी इसके अलावा संघर्ष का तत्कालीन कारण ये हुआ कि यूरोप में 1740 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस युद्ध में फ्रांस ने पर्सिया का और इंग्लैंड ने आस्ट्रिया का पक्ष लिया तो इस प्रकार से विपक्षियों की सहायता देने के कारण से भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में क्या होता है संघर्ष की संभावना उत्पन्न होने लगती है तो तो यही सब कारण होते हैं ठीक है जिनके कारणों से क्या होता है युद्ध एक प्रकार से उसको एक दिशा मिलती है तो ये सब कारण है युद्ध होने की इसके अलावा डुपले था एक व्यक्ति तो डुपले भी एक प्रकार से ए, ये डुपले को समझना चूँकि डुपले की जो पॉलिसी थी डुपले की नीति ये भी एक प्रकार से बड़ी एक कारण के रूप में या बड़े कारण के रूप में जानी जाती है खास करके आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के चूँकि कर्नाटक में क्या था डुपले की नीति थी कि डुपले चूंकि आप देखते हैं ये पांडिचेरी का फ्रेंस फ्रेंच का गवर्नर था डुपले और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसकी जो नीति आई वो खास करके आप देखते हैं चूंकि व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो अंग्रेजी कंपनी थी वो ज़्यादा समृद्धशाली थी ज़्यादा एक प्रकार से विकसित थी किसकी अपेक्षा फ्रांसीसियों की तो फ्रांसीसी लोग क्या करते थे जलन करते थे उनसे कि अंग्रेज लोग ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ रहे हैं आगे तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा ईर्ष्या थी फ्रांसीसी लोगों की फ्रांसीसी लोग ईर्षा की भावना से जो है अंग्रेजी कंपनियों को देखा मतलब अंग्रेजी कंपनी को देखते थे ये बात अलग की है कि आप देखिएगा कि जो इंग्लैंड की कंपनी है या इंग्लैंड वाले जो लोग हैं उन्होंने ही एक प्रकार से आप देखते हैं स्थानीय शासकों के विवादों में सबसे पहला हस्ताक्षेप करने प्रारंभ करते हैं फ्रांसीसी लोग बाद में उसको एक नया आयाम देते हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे इसकी जो नीति थी कौन कौन सी नीति थी पहली नीति यह थी डुपले की कि फ्रांसीसी व्यापार की सुरक्षा के लिए तथा समुद्र तट पर दृढ़ आधार के लिए शक्तिशाली जहाजी बेड़ा रखना आवश्यक था ये एक प्रकार से पहली नीति इसने बताई दूसरी नीति इसकी यह थी कि संघर्ष होने की स्थिति में फ्रांस से सहायता मिलने की आशा नहीं थी इसलिए स्थानीय शासकों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया था डुपले को चूँकि डुपले की जो कंपनी थी खास करके ये प्राइवेट कंपनी थी कोई सरकारी कंपनी नहीं थी फ्रांस की तो फ्रांस इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाया कि भाई यहाँ पर फ्रांस जो है अच्छे तरीके से वर्क कर पाए या फ्रांस एक प्रकार से पूर्ण रूप से इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाए तो या उसका ध्यान कहीं ना कहीं पर अपने युद्ध में ही बिड़ा रहा चूँकि उसका वहाँ पर भी वो युद्ध लड़ रहा था तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर उतना ध्यान वो ना दे सका ठीक तो इसका भी ये भी कारण एक प्रकार से बना इसके अलावा और कारण भी रहे जो है स्थानीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करके जब जो है वहाँ से उसको पता चला फ्रांसीसी जो एक प्रकार से गवर्नर था डुबले डुबले को लगा कि फ्रांस से तो मुझे सहायता मिलने से रही फ्रांस से तो मुझको सहायता मिलेगी नहीं तो ऐसा करते हैं कि यहीं के राजा जो हैं यानी भारतीय राजा उन्हीं से हम सहायता लेंगे तो क्या होता है कि इसके यानी स्थानीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी कंपनी को कर्नाटक में सर्वोच्च राजनीतिक और जो है सैनिक शक्ति को बनाने का एक प्रकार से उद्देश्य रखा इसने और इसके अलावा अंग्रेजी कंपनी की शक्ति को पूर्ण नष्ट मतलब पूर्ण रूप से नष्ट करना ये भी इसका उद्देश्य बन गया तो कहीं ना कहीं पे ये तीन चार नीतियां जो थी इसकी इसी नीति के कारण से आप देखते हैं युद्ध का एक प्रकार से सूत्रपात होता है युद्ध शुरू होता है फर्स्ट कर्नाटक वार सत्रह सौ में प्रारंभ होता है सत्रह सौ तक चलता है यह युद्ध आप देखिएगा ठीक है कब से कब तक चलता है भाई सत्रह तक चलता है सत्रह से शुरू होता है इसका कारण ये था कि यूरोप में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आपस में विरोधी थे वहाँ पर यूरोप में और इसी कारण से युद्ध हुआ इसके अलावा घटना ही है कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है और ये भी कारण था इस घट मतलब युद्ध होने का इसके अलावा इसका प्रभाव पड़ा कि डोपले के नेतृत्व में फ्रांसिसियों की प्रभुत्व की स्थापना होती है प्रथम विश्व मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से ठीक ये बात आप ध्यान रखेंगे क्या होता है कि डोबले जो था ये एक प्रकार से बहुत मतलब उस तरीके की इसकी नीति थी और धीरे धीरे करके ये एक प्रकार से आप देखते हैं मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है और डुबले और ला जो है ब्रूडोने के मध्य मतभेद भी धीरे धीरे उत्पन्न होता है डाबले मतलब कि डाडबेल कहते हैं कि इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद जब ये कंपनी एक प्रकार से दोनों मतलब बाद में क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डोबले और ला बो दोनों के मध्य इस स्थान को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गए कि डोपले का उद्देश्य था कि अंग्रेज उपनिवेशों को नष्ट करके उनके व्यापार को समाप्त कर देना है जैसा कि मैल्सन इतिहासकार कहते हैं कि वह उस नीति को अपनाना चाहता था जो सिकंदर हानिवाल और घुष्टावस की परंपरा से थी इन युद्ध को दुश्मन के देश में ले जाना और अंतिम रूप से उसे कुचल देना ये उसका विचार था उसके और इसका विचार यह था कि उसके हाथों में मद्रास रहने से फोर्ट सेंट डेविड शायद ही बच सकेगा और कोरोमंडल तट पर भी निश्चित होने पर बंगाल में उसके जो उपनिवेश हैं उनको नष्ट करने के लिए जहाजी बेड़ा भेजना संभव होगा दूसरी ओर लाबोडने का उद्देश्य था लूट मार करना जितना ज़्यादा लूट मार सको उतना ज़्यादा लूट मार लो ठीक और अंग्रेजों के व्यापार को हानि पहुंचाकर स्वयं धन कमाना ये चाहता था डोपले मतलब कि वो ठीक और डुबले ने उसे परामर्श दिया कि प्रार्थना की धमकी दी विरोध भी किया कि लेकिन सब व्यर्थ रहा और ला जो है ला बोर्डने ने चार लाख पाउंड के बदले में अंग्रेजों को मद्रास वापस करने का समझौता कर लिया चूँकि दोनों वहीं के थे यानी कि डोबले और जो है ब्रूडोने डोबले और ब्रूडो ने जो एक प्रकार से वो फ्रांस के ही गवर्नर हैं ये दोनों फ्रांसीसी कंपनी के और दोनों में क्या होता है मतभेद होता है इसके बाद में ठीक है और इसी कारण से क्या होता है एक प्रकार से दोनों में मतभेद होता है ब्रूडो ने चार लाख पाउंड के बदले में अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटने का समझौता एक प्रकार से कर लेता है लेकिन समुद्री तूफान आने से उसकी स्थिति दुर्बल हो जाती है और जो है उसके अनेक जो जहाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बिना धन प्राप्त किए वह हमारी सस लौट जाता है तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें थी जो कि एक प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं तो डुपले असफल इसलिए रहा चूँकि क्या हुआ कि जो है अडियार की विजय से प्रोत्साहित अडियार का युद्ध हुआ था उसी बीच सत्रह में और ला ब्रोडो जो है ब्रोडोने के जाने के बाद में डुपले को अपनी नीति क्रियान्वित करने का अवसर होता है फिर उसने अंग्रेजों के साथ की नई मतलब की जो संधि थी उसको स्वीकार किया संधि होती है एक संधि आप सभी को पता होगा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक्स लाप सेपेल की संधि सत्रह सौ अड़तालीस सिद्धि की संधि होती है और इसी युद्ध का मतलब ये युद्ध का इसी संधि के द्वारा युद्ध का समाप्त होता है और इस संधि के उपरांत फ्रांस में मतलब कि फ्रांस ने भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और बदले में फ्रांस ने अमेरिका में जो लुइस वर्ग है अंग्रेज़ों से हासिल कर लिया चूँकि जो है अमेरिक उत्तरी अमेरिका को लेकर के भी फ्रांस और जो इंग्लैंड के जो है कंपनियाँ थी वो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में लड़ रही थी और भारत में भी यही चीज़ हो रहा था और यूरोप में भी ये चीज़ चल रहा था ये तीन संघर्ष तो हुआ क्या कि भारत में जो एक प्रकार से जो फ्रांसीसियों ने मतलब मद्रास पर कब्ज़ा किया था तो अंग्रेज़ों ने कहा कि मुझे मद्रास को दे दीजिए क्योंकि मद्रास जो था शुरू से किसके हाथों में था भाई मद्रास देखिए मैंने शुरू में इसलिए बताया कि पांडेचेरी में कौन लोग थे फ्रांसीसी लोग थे नागापट्टनम में अधिकार था किसका डचों का और मद्रास में अंग्रेजों का प्रथम जब इससे क्या होता है कि ये जो मतलब फ्रांसीसी लोग हैं ये मद्रास में कब्जा कर लेते हैं तो अंग्रेजों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया तो इसी कारण से क्या होता है कि अब जब संधि होती है प्रथम मतलब कि कर्नाटक युद्ध के बाद में तो अंग्रेजों को वापस कर दिया मतलब किसने फ्रांसीसियों ने डुपले ने अंग्रेजों को वापस कर दिया कौन मद्रास जिसको कब्जा किया था तो उसके बदले में क्या किया अंग्रेजों ने कहा कि जो है मतलब अंग्रेजों ने कहा कि हम मैं लुइस बर्ग तुमको दे दूंगा क्योंकि लुइस बर्ग जो है फ्रांसीसियों का था वहाँ पर मतलब पहले शासन तो एक प्रकार से लुइस बर्ग जो है स्थान है ये फ्रांसीसियों को मिल जाता है अमेरिका में और भारत में ये होता है तो इस प्रकार से आप देखते हैं संधि होती है इसके अलावा सेंट थोमे अडियार युद्ध होता सत्रह सौ में और यह युद्ध फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था जिससे फ्रांसीसियों की जीत हुई थी तो ये एक प्रकार से ये युद्ध भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कई सारी चीज़ें इस युद्ध से भी डुप्ले की असफलता होती है और प्रथम कर्नाटक युद्ध का महत्व तो ये है भाई कि जो है कहते हैं प्रोफेसर डाडबेल महोदय कि इसने कुशलतापूर्वक कार्य लेने पर सामुद्रिक शक्ति का ज़बरदस्त प्रभाव बताया इसने बताया कि भारतीय सेनाओं के लड़ने के ढंग से यूरोपीय ढंग अच्छा था इसने उस राजनीतिक पतन को बताया जिसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हृदय को जकड़ दिया और संक्षेप में कहा जाए युद्ध के कई सारे परिणाम होते हैं पहला परिणाम तो ये था युद्ध का इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का पहला परिणाम था कि इसने यूरोपीय व्यापारियों को राजनीतिक शक्ति बना दिया गया तो इसके कई सारे महत्व जैसे पहला महत्व था कि यूरोपीय व्यापारियों को राजनीतिक शक्ति बना दिया गया दूसरा महत्व इसका यह दूसरा जो प्रभाव ये पड़ा कि डुपले ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की प्रथम बार गंभीर रूप से कल्पना की इस युद्ध के बाद तीसरा इसका परिणाम ये हुआ इस युद्ध का कि दोनों कंपनियों को शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को इसके अलावा क्या हुआ कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट हो जाती है इस युद्ध के बाद में चूँकि जो, जो भारत के शासक थे उन्होंने दुर्बलता के साथ युद्ध किया और अच्छे तरीके उन पता चल गया कि भारतीय एक प्रकार से जो राजा हैं वो किस प्रकार के मानसिकता के और किस प्रकार से एक प्रकार से युद्ध करने की कला उनके अंदर विद्यमान थी उससे वाकिफ हो जाते हैं और इसके अलावा नौसेना तथा प्रशिक्षित सैनिकों का महत्व भी स्थापित हो गया और इसी बात को लेकर के मेलेसन नाम के इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध ने यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत विजय का मार्ग अज्ञात रूप से क्या कर दिया प्रशस्त कर दिया इससे पहले अंग्रेजों को या फ्रेंसीियों को यह नहीं पता था कि भारत के लोगों का युद्ध कौशल कैसा है और किस तरीके से होगा तो अब चूंकि इंग्लैंड वाले एक प्रकार से यहाँ पर प्लानिंग के तहत आए थे कि यहाँ पर मुझे कुछ करना है ठीक है लेकिन उन्होंने देखा कि भारत की एक प्रकार से जनता जो है भारत का एक प्रकार से जो शासक है या सैनिक है इन लोगों के पास उतनी कला नहीं है युद्ध करने की जितनी एक प्रकार से हम लोगों के अंदर है और कहीं ना कहीं पे उन्होंने देखा कि यहाँ पर आलसी लोग हैं और उन्होंने ये भी देखा यहाँ पर कि भारत के जो लोग थे वो भारत के जो राजा महाराजा या सैनिक लोग थे ये आपस में ही लड़ रहे थे तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों को ये लोग देखते हैं और बस अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर फ्रांस को यहाँ से मैं किसी तरह से भगा दूंगा तो मैं इन राजाओं से भी युद्ध करके निपट लूंगा धीरे धीरे करके इधर उधर फूट डाल करके और राज करूंगा तो एक प्रकार से फूट डालो राज करूँ की नीति तभी हमारी सफल होगी जब मैं यहाँ से फ्रांसीसियों को भगाऊंगा अगर क्या होगा कि मैं फ्रांसीसियों को भगाने से पहले भारत से के राजाओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दूंगा तो क्या होगा कि फ्रेंच लोगों से मदद मांगेंगे ये लोग तो इस प्रकार से क्या होगा कि फ्रेंच भी हमारे समकालीन ही है तो वो अच्छा युद्ध कर पाएंगे हमारे साथ तो इस कारण से क्या होता है कि ये चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और भारत में जो 200 300 वर्षों की जो गुलामी है अंग्रेजों की वो खास करके इन्हीं कारणों से होती है ठीक अब होता है भाई क्या द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसके बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया आपका 1948 में अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होगा आपका सत्रह में ठीक है सत्रह सौ उनचास में ही मतलब वो सत्रह सौ अड़तालीस में समाप्त हो जाता है सत्रह सौ चौवालीस से प्रारंभ होता है ठीक है कब से कब से सत्रह सौ छियालीस से प्रारंभ होता है सत्रह सौ अड़तालीस में खत्म होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय एक साल के बाद में आप देखिए सत्रह सौ उनचास से प्रारंभ हो जाता है ठीक है और सत्रह सौ चौवन ईस्वी के आसपास तक चलता रहता है और कुल मिला करके आप देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो कितने वर्ष तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखते हैं एक प्रकार से वो धीरे धीरे चलता रहा और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है एक्स ला सेपेल की जो संधि थी जो प्रथम विश्व युद्ध मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है संधि की गई थी उस संधि में क्या हुआ कि कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया लेकिन इसमें क्या हुआ कि अस्थायी शक्ति मतलब शांति स्थापित नहीं होती है और इसी बात को लेकर के सरकार और दत्ता ये दो इतिहासकार ही कहते हैं कि उसने केवल मतलब कि की युद्ध उनकी प्रतिस्पर्धा के नाटक का प्रथम अंक था उसने केवल एक अंक को समाप्त किया और दूसरा अंक एक वर्ष के अंदर ही हो गया तो इस प्रकार से यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में शांति थी लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ दोनों कंपनियां अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए भारत को उपनिवेशिक हाथों में जकड़ने के लिए फ्रांस वाले सोच रहे थे हम यहाँ पर एकाधिकार करें और इंग्लैंड वाले अपने एकाधिकार के लिए परेशान थे और चूंकि इन दोनों को ये बात पता भनक लग गई थी कि अगर फ्रांस वाले सोच रहे थे इंग्लैंड वाले को भगा देंगे तो हम यहाँ पर शासन करेंगे और इंग्लैंड वाले सोच रहे थे कि अगर यहाँ से हम फ्रांस वालों को भगा देंगे तो शासन करेंगे ठीक है और द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का यह कारण था कि पहला कारण तो ये कि देखेंगे लिखिएगा सभी पहला कारण ये कि जो है दक्कन और कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रतिष्ठा तथा शक्ति स्थापित हो जाती है अंग्रेज इससे सशंकित हो गए और दोनों देशों के मध्य यूरोप में भी शत्रुता थी चूँकि पहले से और दोनों कंपनियाँ एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं दूसरा कारण ये था कि दोनों पक्षों के पास बड़ी संख्या में यूरोपीय और अस्थायी जो सैनिक थे वो हो गए थे युद्ध तो समाप्त हो जाने के बाद में दोनों कंपनियों के समक्ष यह समस्या थी कि इन सैनिकों को किस प्रकार से व्यस्त रखा जाए और दोनों कंपनियों को स्थानीय विवादों में भाग लेना आवश्यक हो जाता है और जिससे वे उस पक्ष की सहायता करने को तैयार हो गए जो उनके सैनिकों का व्यय दे सकें तो इस प्रकार से ये भी एक कारण बन सकता है तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो है इसी समय हैदराबाद मतलब आप देखते हैं इस सब समय कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब जो था दोस्त अली उसके दमा चांदा साहब के बीच में संघर्ष आरंभ हो जाता है और चांदा साहब को नवाब बनने के लिए डुपले ने प्रोत्साहित किया था चूँकि क्योंकि डुपले फ्रेंच का था इसका कारण यह था कि प्रथम युद्ध के समय उसका नवाब अनवरुद्दीन से झगड़ा हो गया था और उसे भय था कि अगले युद्ध में अनवरुद्दीन जो होगा वो अंग्रेज़ों की सहायता करेगा चूँकि मैंने उसके खिलाफ षडयंत्र किया था तो उस क्या हुआ कि चांदा साहब को जो मराठों की क़ैद में था धन दे कर के छुड़ा लिया और उसने चांदा साहब को आ, सहायता देकर के नवाब बनने का आश्वासन दिया तो इस प्रकार से ये भी एक कारण बना इसके अलावा इसी समय है, हैदराबाद में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था सत्रह सौ अड़तालीस ईस्वी में ही आप देखेंगे निजामुल मुल्क जो था उसकी मृत्यु हो जाती है अब गद्दी के दो दावेदार उस समय निजामुल मुल्क के मृत्यु के बाद में दो दावेदार होते हैं एक निजाम का पुत्र जो था उसका नाम था नासिर जंग वो एक दावेदार और दूसरा दावेदार निजाम की पुत्री थी उसका नाम था मुजफ्फ़र जंग ठीक है मतलब मतलब उनकी उसकी पुत्री यानी उसकी पुत्री थी निजाम की पुत्री थी उस पुत्री का पुत्र निजाम की पुत्री का पुत्र था ठीक है मुजफ्फ़र जंग तो एक प्रकार से क्या हुआ नासिर जंग ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया और ऐसी स्थिति में मुजफ्फर जंग जो था मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए पूना जाता है और यहाँ उसकी भेंट किससे होती है चांदा साहब से होती है दोनों ने क्या किया फ्रांसीसियों की सहायता ली और सहायता लेने का निश्चय ही किया और डुबले इनके साथ तैयार हो गया तो ये भी एक कारण बना ठीक है अंग्रेजों को सामने आने का इसके अलावा तंजौर की भी समस्या थी और तंजौर की समस्या से भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध अनिवार्य हो जाता है चूँकि सत्रह सौ ईस्वी में आप देखते हैं मतलब अड़तालीस ईस्वी में तंजौर में उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने कार्यकल प्राप्त किया था मतलब कि सत्रह सौ अड़तीस ईस्वी में ही ठीक है तो सत्रह सौ उनचास ईस्वी में तंजौर में पुनः उत्तराधिकार का विवाद होता है और इस बार अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों ने विवादों में हस्तक्षेप करके जो देवी कोटाई नामक स्थान है इससे फ्रांसीसिया मतलब कि उसको अपने प्राप्त मतलब अधिकार में कर लेते हैं अंग्रेजी लोग इससे क्या होता है कि फ्रांसीसी लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं तो ये भी एक कारण बनता है और डुपली अपनी नीति में परिवर्तन भी करता है चूंकि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें डुपले को अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी सफलता नहीं प्राप्त हुई थी लेकिन इस युद्ध में के अनुभव से उसे अपनी नीति निर्धारित करने में सहायता मिलती है और उसने अपनी नीति को बनाया उसने नीति को यह बनाया कि जो अडियार युद्धय हुआ था तो उससे स्पष्ट हो गया उसको कि एक छोटी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना से भारतीय शासकों की बड़ी सेना को हराया जा सकता है पहली बात दूसरी बात इसके मन में मतलब कि ये आई कि इस प्रकार की छोटी साहसी और प्रशिक्षित सेना को एक प्रभावकारी प्रभावशाली अस्त्र बना कर अगर दो भारतीय शासकों के बीच में विवाद कर दिया जाए और उसमें हस्तक्षेप करें तो फिर अच्छा प्रभाव मिल सकता है और उस समय भारतीय शासकों में अनेक विवाद हो ही रहे थे फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये सब तो यही सब युद्ध का कारण बनती है और आगे चल कर के कई सारी चीज़ें होती हैं युद्ध का यहाँ पर कारण आप देखेंगे मूल कारण है कि हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच में संघर्ष था और इन्हीं गुटों के बीच में संघर्ष को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी लोग हस्तक्षेप करते हैं इनमें इसके अलावा हैदराबाद में आप देखेंगे हैदराबाद में नासिर जंग ब्रिटिश समर्थित था और मुजफ्फर जंग फ्रांस समर्थित था आप देखते मैंने बताया नहीं था कि हैदराबाद में चूंकि नासिर जंग आपको पता होगा मैंने बताया नहीं शुरुआत में ही कि चूंकि करना जो है, हैदराबाद में सत्रह सौ अड़तालीस ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु जब हो जाती है दो दावेदार होते हैं एक तो निजाम निजामुल मुल्क का पुत्र जो होता है वो और निजाम की पुत्री का पुत्र होता है एक मुजफ्फर जंग इन दोनों के बीच में तो नासिर जंग जो है इसको समर्थन किसका प्राप्त था इसको समर्थन प्राप्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और मुजफ्फर जंग को फ्रांस का मतलब एक प्रकार समर्थन प्राप्त था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ठीक तो ये भी एक प्रकार से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर वो उनको बढ़ावा दे रहा था वो उनको संघर्ष के लिए बढ़ावा दे रहे थे ये भी कारण बना दुती है कर्नाटक युद्ध का और इसका तीसरा कारण अगला कारण यह कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन ब्रिटिश समर्थित था और चांदा साहेब फ्रांस का समर्थित था तो ये भी एक प्रकार से कर्नाटक में भी चल रहा था तो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार जो का चल रहा था दो गुटों में एक प्रकार से जो संघर्ष था उन्हीं दो गुटों में कहीं ना कहीं पे एक गुट में अंग्रेज लोगों ने सहायता कर दी और एक गुट की फ्रांसीसियों ने सहायता कर दी तो एक प्रकार से क्या हुआ कि अब आमने सामने ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से लोग कर रहे थे अब ऐसे में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके फिर सामने दोनों को आना पड़ गया तो एक प्रकार से ये तो यही कारण था मुख्य रूप से खास करके द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध का इसके अलावा घटनाओं में अगर बात की जाए तो मुजफ्फर जंग चाँदा साहेब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने सत्रह सौ उनचास ईस्वी में जो है अम्बूर के युद्ध में यानी बेलोर के पास पड़ता है अम्बूर उसी में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार प्रथम स्तर पर फ्रांस की विजय होती है पहले स्तर पर हालांकि क्या हुआ कि कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली के साथ मिल करके चांदा साहेब एवं फ्रांस को हरा करके कर्नाटक पर अपनी सत्ता को स्थापित कर ली तो इस प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं डोबले जो था डोपले एक प्रकार से शुरुआत में तो जीतता है लेकिन बाद में क्या होता है कि दिक्कत की एक प्रकार से होती है कर्नाटक का नवाब बनने में चांदा साहेब को जो सफलता हुई थी उससे अंग्रेज़ों को खतरा उत्पन्न हो गया था और मोहम्मद अली का पक्ष लिया और उसे सहायता देना आरंभ की इसने तो कहीं ना कहीं पे कई कही सारी चीज़ें होती हैं और जो है तो ये सब एक प्रकार से आप देखेंगे कि यही सब सारी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे करके क्या होता है डुबले की असफलता और वापसी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसका कारण बनती है क्या हुआ कि और इन सभी चीज़ों के बाद में आप देखिएगा डुबले मतलब फ्रांस में क्या होता है कि आ, जो है आ, वो बोलते हैं दत्ता और सरकार कहते हैं कि बिना शक्तिशाली सेना तथा मित्र के डोबले ने अपने को कठिनाइयों के बीच पाया और ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा परंतु उसका अध्यय मतलब कि वसाय और साहस जो था वो कैसा था महान था अध्यवसाय माने होता है एक प्रकार से जो डटे रहना ठीक है बिना किसी के साथ विपत्ति में भी उत्कृष्ट गुणों को दिखाता था और इसीलिए उसके दुर्भाग्य उसे मतलब कि दुर्भाग्य उसका जो था उसे डिगा ना सका तो एक प्रकार से आप देखते हैं उसने सैनिक तैयारी की थी स्वयं को जो है सलाबत जंग से कर्नाटक का नवाब नियुक्त करवाया दोस्त अली के परिवार से मुर्तजा अली को अपना नायब नियुक्त करा के चातुर से उसने मैसूर के नंदराज और गुटी के जो मुरार राव थे उसको मोहम्मद अली से पृथक कर दिया तंजौर को तटस्थ कर दिया उसने चिन्ना मतलब तिरचन्नापल्ली जो था उसके घेरे के लिए नबीन सेना भेजी लेकिन भाग्य उसके विपरीत था सारे प्रयत्नों के बाद भी उसको सफलता एक प्रकार से मतलब सफलता की आशा जो थी वो धूमिल हो गई उसकी मतलब नहीं दिखाई पड़ रही थी अंग्रेजों से वार्ता द्वारा भी समझौते का प्रयास किया जो कि असफल रहा और उसके बाद में फ्रांसी कंपनी भी युद्ध से तंग आ गई थी धीरे धीरे वह डुबले की नीतियों को समझने में असमर्थ रही थी और अंत में क्या होता है कि शांति स्थापना के लिए डुबले को बुला लिया और स्थान मतलब आप देखते हैं उसके स्थान पर एक व्यक्ति दूसरा आता है भारत में जो है गोडेहू तो गोडेहू आता है एक प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद में और उसके बाद में आप देखते हैं पांडेरी मतलब पांडिचेरी की संधि होती है ठीक है पांडिचेरी की संधि में आप देखते हैं गोडेहू ने आते ही अंग्रेज़ों के साथ संधि की वार्ता कर दी और पांडिचेरी की संधि के नाम से फेमस है वो सत्रह सौ पचपन ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में अंग्रेजों और फ्रांसिसों के बीच में पांडिचेरी की संधि होती है संधि में कहा गया कि दोनों कंपनियों ने मुगल उपाधियों को त्यागने तथा देसी राजाओं के विवादों में हस्तक्षेप ना करने का निर्णय लिया कि अब कोई भी राजा के बीच में निर्णय नहीं हम लोग नहीं लेंगे दूसरा इसका निर्णय ये हुआ कि दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के प्रदेशों को लौटा दिया जो भी एक प्रकार से जीता था इसके अलावा पट्टनम पर फ्रांसीसियों का अधिकार आमान्य कर दिया गया उत्तरी सरकार में अंग्रेज़ों को एक प्रदेश दे दिया गया हैदराबाद में क्या हुआ कि बूसी की स्थिति को मान्यता प्रदान की गई और अंग्रेज़ों ने सलाबत जंग को निजाम स्वीकार कर लिया ये भी इसका परिणाम हुआ और फ्रांसीसियों ने स्वीकार किया कि वो मोहम्मद अली के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे तो इस प्रकार से क्या हुआ कि डोबले ने जो भी प्राप्त किया था उसे इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने खो दिया केवल हैदराबाद में बुसी बड़ाई कठिनाई से अपनी स्थिति को सुरक्षित रखा था तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस संधि से फ्रांस की सरकार मतलब कि संधि को इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि सत्रह सौ पचपन ईस्वी में उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था ठीक है तो संधि की आलोचना भी हुई डुबले कहता है कि गोडेहू ने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किया है तो एक प्रकार से आप देखिएगा कि ये संधि तो हुई लेकिन इसका कहीं न कहीं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा किस पर जो है फ्रांस पर ही ठीक है तो इस प्रकार से किस संधि के द्वारा तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो पांडिचेरी की संधि के, तो तो के द्वारा इसका प्रभाव ये पड़ा इसका प्रभाव ये पड़ा भाई कि जो है सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया जाता है इस युद्ध के बाद में किसको सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया जाता है निजाम उल मुल्क का छोटा बेटा है ये सलाबत जंग मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है इस प्रकार से इन दोनों का यानी हैदराबाद और कर्नाटक का मसला यहाँ से इस युद्ध से थोड़ा सा बैठता है संधि जो होती है सत्रह सौ तो पचपन में आप सभी को पता होगा पांडिचेरी की संधि होती है फ्रांस की आर्थिक स्थिति उस समय बड़ी कमज़ोर थी अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है और वहाँ पर भी अंग्रेज लोग एक प्रकार से बढ़त में हो गए थे फ्रांसीसियों से ठीक है और कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि फ्रांस से पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था डुबले को और डुबले को बुला लिया गया कि डुबले अच्छी नीतियाँ नहीं बना पाता इस कारण से तो उसके जगह पर जो है किसको भेजा जा गया उसके जगह पर गुडेहू को भेजा गया था गोड्डेहू तो गोड्डेहू को भेजा गया तो एक प्रकार से उसने तुरंत संधि कर ली और इस प्रकार से इस युद्ध का समापन हो जाता है ठीक अब तृतीय युद्ध की अगर बारे में बात करूँ तो तृतीय युद्ध क्यों होता है भाई जब ये संधि होती तृतीय युद्ध कैसे हुआ इसके भी अपने अपने कई कारण थे ठीक है तृतीय युद्ध जो होता है पांडिचेरी संधि के बाद में कर्नाटक में अनिश्चितता का वातावरण बना रहा और इसका कारण यह था कि फ्रांसीसी कर्नाटक में अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल हो गए थे लेकिन हैदराबाद में उनकी शक्ति अभी भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से स्थापित थी हैदराबाद का निजाम जो था सलाबत जंग एक दुर्बल व्यक्ति था उस समय उसको बना दिया गया था चूँकि संधि के द्वारा और बुसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो थी उसकी रक्षा के लिए आवश्यक थी और बुसी दूरदर्शी और सफल व्यक्ति था उसने बड़ी योग्यता से निज़ाम की रक्षा की और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया और अंग्रेज़ों को भी पांडिचेरी की संधि में उसकी स्थिति को स्वीकार करना पड़ा था लेकिन वे जो थे इससे असंतुष्ट थे दूसरी ओर क्या था कि फ्रांसीसी भी कर्नाटक में अंग्रेजों के प्रभुत्व से असंतुष्ट हुआ थे और इससे कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति एक प्रकार से अनिश्चित हो बनी हुई थी और इस समय आप देखते हैं मराठे जो थे उत्तर की राजनीति में फंसे हुए थे सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में उन्हें पानीपत के तृतीय युद्ध में भीषण पराजय का सामना करना पड़ा मतलब मराठों को ठीक है अहमद शाह अब्दाली आप सभी को पता सत्रह सौ इकसठ में और इससे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी तृतीय कर्नाटक युद्ध बिना उनके हस्तक्षेप के लड़ सके और कारण भी कई सारे कारण रहे हैं मतलब इसके कारण ये था कि पांडिचेरी की संधि से कर्नाटक में शांति स्थापित नहीं होती है सत्रह सौ छप्पन ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध भी एक प्रकार से शुरू हो जाता है और सप्त युद्ध वर्षीय युद्ध का मूल रूप से ऑस्ट्रिया और परसा के मध्य आरंभ हुआ जो युद्ध था वही था इसमें फ्रांस जो था ऑस्ट्रिया की ओर था और इंग्लैंड जो था वो परसिया की सहायता कर रहा था और भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेज़ कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बना करके संतुष्ट थे लेकिन हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व असह्य था और बोसी को हटाने के लिए सत्रह सौ चौवन ईस्वी से ही प्रयत्न किए जा रहे थे तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें थी इसमें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में आप लिखेंगे ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध में सत्रह सौ छप्पन में प्रारंभ हुआ सत्रह सौ तिरसठ तक युद्ध चलता रहता है इसका कारण था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ हो गया और इसी कारण से यहाँ पर भी जब वहाँ पर मनमुटाव हुआ यूरोप में और तो यहाँ पर कंपनियों के बीच में भी एक प्रकार से मनमुटाव होना प्रारंभ हो गया इसके अलावा अगर देखें तो घटनाएं क्या क्या हुई कि वान्डीवास का जो युद्ध था जनवरी 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की हार होती यहाँ पर वान्डी वास के युद्ध में और सलाबत जंग से अंग्रेज़ों की संधि हो जाती है ये भी इसकी घटना हुई मियन इसके अलावा इसका प्रभाव यह पड़ा कि कर्नाटक और हैदराबाद में अंग्रेजी प्रभुत्व एक प्रकार से अब कायम हो जाता है एक प्रकार से कर्नाटक के युद्ध के बाद में अब अंग्रेज जो लोग हैं ये हैदराबाद में भी अपनी स्थापना कर लेते हैं और मतलब स्थापित हो जाते हैं अपनी शासन सत्ता कर लेते हैं और कर्नाटक में भी यानी कर्नाटक और अब हैदराबाद पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया संधि तृतीय युद्ध किस संधि समाप्त हुई तो पेरिस की संधि हुई पेरिस में सत्रह सौ तिरसठ ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच भी युद्ध समाप्त हो गया इसी संधि के द्वारा और इस प्रकार भारत में भी फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व समाप्त हो गया तथा अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त हो जाता है यानी अब अंग्रेज जो है अब एकाधिकार यहाँ पर व्यावसायिक चीज़ें करे चाहे राजनीतिक चीज़ें करे कुल मिलाकर के अब फ्रांस वाला जो लोचा था तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में वो थोड़ा सा लोचा खत्म हो जाता है तो इस प्रकार से आप देखते हैं अंग्रेज़ों को पूर्ण सफलता मिलती है इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसी का जो फ्रांसीसी कंपनी इसका राजनीतिक प्रभुत्व एक प्रकार से समाप्त हो गया और धीरे धीरे आप देखते हैं कि अंग्रेजों की सफलता होती है और फ्रांसीसियों की असफलता होती है इसके कई कारण होते हैं चूँकि अंग्रेजी कंपनी की सुदृढ़ वित्तीय और व्यापारिक स्थिति थी इसके अलावा खास करके अंग्रेजी कंपनी का उत्तम संगठन था अंग्रेजी कंपनी को सरकारी सहायता भी प्राप्त थी गृह सरकारों के स्वरूप में अंतर था अंग्रेजी और फ्रांस के दोनों में चूंकि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र था तो एक प्रकार से आप देखते हैं चूंकि पार्लियामेंट के हाथों में शासन था तो पार्लियामेंट वाले तुरंत कानून पास करके ब्रिटेन वालों की सहायता भी करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लेकिन फ्रांस से ऐसा कुछ होता नहीं था अंग्रेजी कंपनी के श्रेष्ठ अधिकारी भी हुआ करते थे अच्छे अच्छे पद पर ठीक है अच्छे अच्छे अधिकारी थे फ्रांसीसी जो थे वो दुर्बल थे दोषपूर्ण पूर्ण नीतियाँ बनाया करते थे तो इसके कारण से फ्रांसीसी लोग हारे और अंग्रेज लोग जीते अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हुआ कि एक प्रकार से बंगाल पर विजय प्राप्त किया उन्होंने सत्रह सौ सत्तावन ईस्वी में ठीक है और इसके कारण से भी वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं शक्तिशाली होते जाते हैं फ्रांस की सरकार की दोषपूर्ण नीति भी होती है उसके कारण से भी फ्रांस हार जाता है डूबने और लेने की गलतियाँ भी कहीं ना कहीं पर फ्रांस को ले डूबती हैं ठीक है यहाँ पर और अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसके कारण से फ्रांसीसियों को हाथ धो देना पड़ा और इस प्रकार से आप देखते हैं अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों की पराजय के विभिन्न कारणों के बारे में मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि सभी कारणों का समग्र और संयुक्त प्रभाव ही विजय का कारण बना और कुल मिलाकर के कोई एक कारण नहीं था फ्रांसीसियों की पराजय का और अंग्रेजों की विजय प्राप्त करने का ठीक है कई सारे कारण थे और बहुत लंबा समय तक संघर्ष चला दोनों में Osionfish. और उनको मिलाकर के कहा जा सकता है कि कर्नाटक और आंग्ल फ्रांसी युद्ध में प्राप्त सफलता ने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्था मतलब स्थापना करवाई और अब ब्रिटिश शासन एक प्रकार से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभुत्व एक प्रकार से उसका चौतरफा हो गया फ्रांसीसियों के भारतीय साम्राज्य के सपने को चखना चूर कर दिया अ, जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक विजय के बाद में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा ब्रिटिश साम्राज्य को रॉबर्ट क्लाइव एवं सर आयरकूट जैसे कुशल नेतृत्वकर्ताओं के साथ साथ एक सुदृढ़ नौसैनिक होने का भी लाभ मिलता है इस युद्ध में और इन सभी कारकों की वजह से ब्रिटिश शक्ति धीरे धीरे करके समय समय पर क्या होता है भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करती जाती है और इस प्रकार से ये तीन युद्ध जो हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं अंग्रेजों की सत्ता को एक प्रकार से मतलब अंग्रेज़ों का भारतीय एक प्रकार भारत भारतीय सत्ता में हस्तांतरण है भारतीय राजनीति को एक प्रकार से अपने हाथों में लेने का तो ये तीन युद्ध सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निभाते प्रथम कर्नाटक युद्ध सत्रह सौ छियालीस से सत्रह सौ अड़तालीस द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक प्रकार से सत्रह सौ उनचास से सत्रह सौ चौवन और तृतीय तो कर्नाटक सत्रह सौ छप्पन से सत्रह सौ तिरसठ ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ये तीन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी तीन युद्ध जो कि एक प्रकार से भारत में खास करके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध के एक प्रकार से माहौल थे तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर चैप्टर टू था बस आपको इन्हीं तीन युद्धों के बारे में पढ़ लेना था जो कि मैंने आपको लगभग समझा दिया ठीक है बाकी एक बार अगर आपको और डाउट होगा तो आप एक बार और देख लीजिएगा ओके अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों की ओर चलता हूँ आप देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस जो है मतलब वीडियो को लेकर के मतलब कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न देखिएगा कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध सत्रह सौ चालीस ईस्वी के कारण भारत में कौन सा युद्ध शुरू हो गया था तो भारत में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था यानी कि विच वार स्टार्टेड इन इंडिया ड्यू टू दस्ट्रेलियन सक्सेसन वार सेवनटीन फोर्टी एटी इन यूरोप बताएँ यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण भारत में कौन सा युद्ध प्रारंभ हो गया था तो भारत में खास करके प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया था इसी को लेकर के ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कार्नेटिक वार अगला प्रश्न आप देखेंगे अगला प्रश्न है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिसस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था हु द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिसस ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वार बताने का प्रयास करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिसस जो था मॉरिसस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो मॉरिसस का फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय ला बुरुडोनी ठीक है और, और यहाँ का भारत का कौन था उस समय डुबले था और ये भाई ला बोर्डोने जो है ये भी एक प्रकार से क्या होता है इसके सहायता के लिए डुप्ले के लिए एक प्रकार से इसके साथ ही चलता है इसके अलावा अगला देखेंगे प्रश्न प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ वेन डिड द फर्स्ट कर्नाटिक वार टेक प्लेस बताएं कब हुआ था भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ बताएं तो कब हुआ था भाई कब हुआ था सत्रह छियालीस से सत्रह अड़तालीस बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर चौदह चौथावा प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बस यही प्रश्न यहाँ से बनेंगे ऑब्जेक्टिव में ठीक है बताएं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था आफ्टर विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट बताएं तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था भाई तो यह एक्स लापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था की संधि के द्वारा एक्स ला सी संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध और पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था ओके अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है विच ऑफ द वन फॉलोइंग करेक्टली मैथड मतलब कि मैचड बताए जो है डी का युद्ध सत्रह तो में जो है आरकाट का जो है घेरा सत्रह में वाणीवास के युद्ध सत्रह सौ में या फिर उपयुक्त तो सभी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी युद्ध सही समय पर हुए थे यानी एनडीआर का युद्ध सत्रह में ही हुआ था करेक्ट है बिल्कुल आरकांड का घेरा जो किया गया था सत्रह में ही किया गया था ये भी ठीक है और वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था सत्रह में ये भी बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन तो नंबर डी लगा दीजिएगा उपरियुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न आप देखते हैं छठवा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज आल्सो नोन एज द बेटल ऑफ यस्टी थॉम बताने का प्रयास करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक वार द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी सेकंड बैटल कर्नाटक वार तृतीय कर्नाटक युद्ध या एक प्रकार से इनमें से कोई नहीं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंटे थोमे के नाम से सेंटे थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल प्रथम कर्नाटक युद्ध को प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम सेंट थोमे के नाम से भी जानते हैं ओके अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है हुईच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेकेंड कर्नाटिक वार बताने का प्रयास करें कौन कौन से कथन सत्य आपसे कह रहा है देखेंगे कौन कौन से कथन सत्य हैं इनमें देखिए पहला कथन है कि इस कर्नाटक युद्ध की अवधि सत्रह से सत्रह के मध्य थी बिल्कुल पहला तो बिल्कुल करेक्ट है भाई द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में यानी द पीरियड ऑफ दिस कर्नाटक वार वाज बिटवीन 1749 टू 1754 एडी बिल्कुल करेक्ट है दूसरा है कि डुपले के पश्चात गोडेहू भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना बिल्कुल करेक्ट ये भी है यानी कि ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही है तीसरा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन एक्स ला सापेल के संधि नहीं एक्सला से संधि जो थी ये प्रथम में हुई थी तो ये आपका तीसरा गलत है यानी देखिए पहला और दूसरा किसमें सही बता रहा है पहला और दूसरा ये देखिए पहले में ही दिखा पहला और दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर देखते क्या है कौन सा कथन सत्य है ठीक तो सत्य कौन सा है ऑप्शन नंबर ए ए और बी दोनों करेक्ट हैं अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे अगला प्रश्न आठवां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है इज रिलेटेड टू सेवन ईयर्स मतलब कि सेवन ईयर वार्स या ईयर्स वार्स बताने का प्रयास करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध किस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं सप्तवर्षीय यानी सात वर्षों का युद्ध तो ये इंग्लैंड में भी हुआ था तो उसी के नाम पर आप देखते हैं यहाँ पर तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध जो हुआ था ये सप्त युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं तो ऑप्शन नंबर इसको लगा दीजिएगा गाय सॉरी सा यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है वान्डिश का युद्ध कब लड़ा गया था वेन वाज द बेटल ऑफ वाणीवास फाइट सत्रह सो साठ ईस्वी में सत्रह सो तिरसठ ईस्वी में या सत्रह सो पचपन ईस्वी में या सत्रह सो छप्पन ईस्वी में तो वाणी वास का युद्ध बताएं बहुत अच्छा प्रश्न है फटाफट से बताने का प्रयास कब जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं ओके सभी दोस्तों से ये गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ओके और आपके घर में जितने फोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है चले तो वान डीवास का युद्ध कब लड़ा गया था वाडीवास का युद्ध लड़ा गया था और सत्रह सौ साठ ईस्वी में लड़ा गया था ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न क्या आ चुका है लैली को सर आयरकूट द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया लैली बाई सर जो है सर आयरकूट इन विच बैटल बताएं सेंटे थोमे युद्ध में या वांडीवास के युद्ध में या मद्रास के युद्ध में लैली को सर आयरकूट द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया बताएं सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर वाडीवास के युद्ध में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा अगला प्रश्न भाई तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ द थर्ड कैनेटिक वार इंडेड बाई विच ट्रीटी बताएँ तो तीसरा कर्नाटक युद्ध था ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था तो संधि थी आपकी पेरिस की संधि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न आप देखेंगे बारहवा नंबर प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है बताएं आंग्ल मतलब प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध एक्स ला सबेल की संधि बिल्कुल ठीक सही से मिले सीधा इसके अलावा द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध पांडिचेरी बिल्कुल ठीक है तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध की संधि के द्वारा फ्रेरिस बिल्कुल तो ये तीनों सही है आपके ऑप्शन नंबर डी दी लगा दीजिएगा उपयुक्त तो सभी सही है अगला प्रश्न आप देखते हैं गोडेहू ने देश की बर्बादी एवं राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए यह कथन किसका है जो है गोडेहू है जो है साइन द रैन रन ऑफ द कंट्री एंड द डिसनर ऑफ द नेशन हुज स्टेटमेंट इज दिस बताएं इसको कहा था किसने इसको कहा था भाई इसको कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डुपले ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर का डुपले ने कहा कि गोडेहू ने देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं जब उसने क्या की थी जो संधि की थी पांडिचेरी की संधि वो अगला प्रश्न आप देखते हैं लास्ट प्रश्न है इसका इस चैप्टर का ठीक डुपले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया निष्फल प्रयास किया क्लाइव ने चाबी बंगाल में खोज और प्राप्त कर ली थी यह कथन किसका है बताने का प्रयास करेंगे इस कथन को कहने वाले विद्वान उनका क्या नाम है उनका नाम है जे ए आर मेरियट क्या नाम है जे ए आर मेरियट ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को जाना समझा और परखा ओके okay, और आपको बता दूं कि अगर आप लोग हिंदी की क्लास लेना चाहते हैं तो हिंदी क्लास आप ले सकते हो ठीक है आ, कोर्स हिंदी का लांच भी है आप सभी को पता होगा तो कोर्स भी आप ले सकते हो हमारे नंबर पर इक्यानबे इकसठ तिरानबे साठ बासठ पर व्हाट्सअप करके आप बोल दीजिएगा सर जी हमको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना तो आपको मैं क्यू आर स्केंड मतलब क्यू आर कोड सेंड करूँगा उस पर आपको मात्र सौ रुपये पे कर दें होंगे उसके बाद में आपको हिंदी का सारा कोर्स मिल जाएगा ओके तो हिंदी गद्दी का एक प्रकार से मॉडल पेपर है ये इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी इसमें तो आप हिंदी साहित्य अगर लिए हैं थर्ड सेमेस्टर में तो इस वीडियो को देख लीजिएगा इसके अलावा प्राचीन इतिहास वाले देख लीजिएगा इसको चैप्टर वन पहला पढ़ाया मैंने इसमें प्रा सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है जियोग्राफी देख लीजिएगा आप तीन चैप्टर हो चुके हैं और इसका चैप्टर वन तो मैंने पढ़ा ही दिया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने विस्तार से हर चीज़ को समझाया ओके तो क्लियर हो गई बातें तो फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में ओके चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और जो अगला चैप्टर होगा आपका तीसरा उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय प्लासी और बक्सर का युद्ध ठीक है अब बंगाल में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पाँव को पसारेगी और किस प्रकार से प्लासी और बक्सर का युद्ध होगा और उसके बाद में जब प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है इन्हीं दोनों युद्धों के बाद में आप देखते हैं अंग्रेजों लोग अंग्रेज लोगों का एक प्रकार से मुख्य रूप से भारत में शासन शुरू हो जाता है तो इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास हम करेंगे ओके धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा चलिए गुड नाइट आई लव यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा गुड नाइट आई लव यू जय हिंद जय जै भारत